हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे तरफ से प्यार भरा आप लोगों को हैप्पी शिवरात्रि और भोलेनाथ। सबके घर में हमेशा खुशियाँ बनाए रखें। तो आज हमारे साथ बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं सुबह से काम ही कर रही हूँ, व्रती भी हूँ और निर्जला व्रत, जो कि हमारे में पानी भी नहीं पीना पड़ता। हम कल सुबह पानी पियेंगे, व्रत खोलेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए, प्लीज स्किप नहीं करिएगा। बहुत बड़ा नुकसान हो गया आज के दिन। थकान भी इतने हो रहे हैं, मुझे आज बोला भी नहीं जा रहा, चला भी नहीं जा रहा, मन नहीं कर रहा, सर दर्द इतना हो रहा है, आंखें दर्द हो रही है, क्योंकि कल रात को भी हम ऐसे ही खाए थे और पानी वगैरह भी नहीं पीना है और काम इतने सारा है जो पूछिए ही मत। तो प्लीज दोस्तों कंटिन्यू रहिए आप लोग। तो दोस्तों सबसे पहले हम छत से ही शुरू करते हैं। बहुत बुरा हाल हो रखा है, इतना मतलब मुश्किल हो रहा है, काम वाम कैसे करूँगी पता नहीं। तो कंटिन्यू रहे, प्लीज स्किप नहीं करिएगा। नुकसान ये देखिए, इधर से पूरा टूटा हुआ दीवाल है, जो कि पूरा दीवाल तोड़ना पड़ा, पाइप डला हुआ है। और उधर चलते हैं एक बार। और दोस्तों इधर की तरफ देख सकते हैं आप, क्या बुरा हाल हो रखा है, पूरा दीवाल तोड़ा गया है। देखिए ये देखिए, पूरा दीवाल तोड़ा गया है, उधर उधर का छत इधर का छत दोनों को तोड़ के बराबर कर गया है। और इधर पाइप भी देख सकते हैं ऐसे टूटा पड़ा है। देखिए मटेरियल सामान जितने भी होते सब ऐसे कैसे पड़ा हुआ है देखिए। और बहुत बड़ा नुकसान हो गया है हमारे घर में। चूहे ने मतलब घुस के और इतना बड़ा नुकसान कर दिया है मकान का, जो मकान के बिल्डिंगों में से पानी टपकने लग रखा है। तो इसलिए घर को पूरा तोड़ फाड़ कर रहे हैं। देख सकते हैं बाहर का ये स्थिति है। देखिए अभी यहाँ पे मैकेनिक जो ठीक करने वाले होते वो बैठे हुए थे, तो अभी फिलहाल कहीं गए हैं। और किचन में चलिए आप, प्लीज दिखाती हूँ मैं, इतना बुरा हाल है किचन का। तो ये आ चुके हैं हम अपने किचन में। और ये हमारा देखिए किचन का हाल कैसे हो रखा है पूरा, देखिए देखिए। अभी ये कुछ सामान भी और ला रहे हैं, अभी चिपकाए भी नहीं, अभी सीमेंट बालू से चिपकाएंगे, भरेंगे, बराबर करेंगे इसको। ये देखिए कैसा हाल हो रखा है पूरा टूट के। और ये भी नहीं, अभी तो आपका ये तो सिर्फ छोटा सा सीन है, अभी तो बड़ा सीन आपको दिखाना बाकी है। मैं उधर की तरफ जाऊंगी, उधर से सुहाग दिख रहा है। ये देखिए, तो एक बार चलते हैं उधर की तरफ गाइज। तो आप लोग किचन का हाल देख ही लिए हैं, और किचन के साइड से रूम है, रूम के अंदर से चलते हैं, फिर वो सीन दिखाने आप लोग। जो बड़ा टेलर तो अभी बाकी है, पूरा फिल्म जिसको बोलते हैं ना, वो तो पूरा अभी बाकी है। तो रूम के अंदर से जाना पड़ेगा, एक बार चलते हैं। चलो दोस्तों घर के अंदर चलते हैं। ये रहा घर, घर पूरा गंदा है। ये देखिए इधर का घर, ये देखिए दोस्तों क्या हाल हो रखा है पूरा। हमारा सीन तो बिल्कुल बेकार हो गया, आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया हमारा। देखिए ये हमारा कमरा है इधर, और ये हमारा गैलरी, इस गैलरी के हाल। ओ जो पाइप दिख रहा है ये किचन का आ रखा है उधर से, और इधर है नीचे जाने का। और इस पाइप को भी हमने ये बदलवा दिए हैं पूरा लंबा, इस पाइप को पूरा के पूरा तोड़वा दिए हैं यहाँ से, इसलिए क्योंकि ये बाथरूम है, बाथरूम का पानी जो यहाँ से निकलता है तो ये जाम हो गया था पूरा, तो इसलिए यहाँ तक तोड़ के बदल दिए हैं इसको। देखिए देखिए क्या हाल का सब पूरा के पूरा। तो देखिए दोस्तों आप लोगों ने कैसा कैसा हाल हो रखा है। मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा वीडियो बना ली हूँ, और अब ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। मैं बढ़ती हूँ और हिम्मत नहीं हो रहा है और टेंशन हो रही है, जो मैं इतना दूर तक सफाई कैसे करूँगी, पूरे छत से लेके किचन बाहर उधर बाथरूम की तरफ लैट्रिन की तरफ, मतलब जितने भी सब जगह टूट फूट हो चुका है। अभी इतना तो बाकी, इतना तो कुछ नहीं है दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इतना कि अभी ये जो है टंकी साफ होगा, और उसके बाद पाइपलाइन जो है, जितनी भी पाइपलाइन है पूरा जाम हो चुका है पूरा, थोड़ा टपकता है पानी, सिर्फ बाथरूम में नहीं, हमारा किचन में नहीं पानी है, उधर लैट्रिन की तरफ पानी नहीं है, मतलब कहीं भी पानी आ रहा है, सिर्फ टपक रहा है पानी। जो कि अभी टंकी साफ करा जाएगा, उसमें तेजाब डाला जाएगा हार्ड वाला, और तेजाब डाल के पाइपलाइन को क्लियर किया जाएगा। पाइप ऐसे टूटा हुआ बीच बीच से तोड़ना पड़ेगा। एक बार सीन दिखाती हूँ कैसे टूटा हुआ है, ये देखिए कैसे टूटा हुआ है पूरा पाइप यहाँ से यहाँ तक। आज भी टूटेगा, इसको काट खोट किया जाएगा, फिर से टूटेगा, इसको तेजाब डाल के साफ किया जाएगा पूरी लाइन को क्लियर। और इधर का तो पोजीशन देख रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि बहुत सारा काम है और मुझे करना है।
और उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज महाशिवरात्रि के दिन है, प्लीज़ इस दोस्त इस बहन जो भी आप लोग भाभी जो भी मानते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग फटाफट से हमारे सारे वीडियो को देखा करिए और सपोर्ट किया करिए, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरी है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू हमारी ऑल फैमिली।